हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बीस्ट। कितना सेटिस्फाइंग लगता है अगर आपके फोन की बैटरी परसेंटेज 100% हो और फिर 99 पर हो एंड वो 100% जस्ट होने ही वाला हो, है ना। आज की वीडियो में बात करेंगे क्या आपको आईफोन 100% तक चार्ज करना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये मिथ है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है, करेंगे इस पर डिस्कशन, देखते रहिए। एस आईफोन्स में यूज होती है लिथियम आयन बैटरी एंड लिथियम आयन को यूज करने का हम कह सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज जल्दी चार्ज होती है और लास्ट लॉन्ग करती है एंड हैव अ हायर पावर डेंसिटी फॉर मोर बैटरी लाइफ इन अ लाइटर पैकेज। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से आईफोन्स में लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। तो अब जो थ्योरी है ना कि 100% तक चार्ज नहीं करना, तो उसको लिंक करते हैं लिथियम आयन बैटरी को। जैसे लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि वो हाई टेम्परेचर्स यानी हीट होने पे वो बैटरी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी जो उसका केमिकल एजिंग प्रोसेस है वह बहुत फास्ट होता है अगर वो हीट होती है बैटरी। हीट कैसे हो सकती है, अगर आपने रिचार्ज लगाया अपने आईफोन को 20% पे, आपने रिचार्ज पे लगा दिया 20% पे, तो चांसेस है कि वो 100% आप फुल चार्ज तो करोगे, एक सेटिस्फाइंग नंबर होता है 100%। तो अगर आप फुल चार्ज करोगे तो वो 80% जो बैटरी रिचार्ज होगी उसमें फोन के हीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे अगर वो कूलर प्लेस में नहीं है तो। एंड अगर कूल प्लेस में है तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, यानी अगर आपका एसी होना है कूलर होना है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट फिर भी आप ट्राई करो कि आप अपना आईफोन को जो चार्जिंग है वो 40-80% के बीच में मेंटेन करो एंड देन 100% तक चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली जब तक आपकी लिथियम आयन बैटरी हीट नहीं होती तब तक। अब ऐसे थोड़ी आपने इतना महंगा फोन खरीदा और आप उसको बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के चक्कर में फोन ही यूज नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स हैं अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ 100% पर ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन रहेगी। उसके लिए एक प्रॉपर मीटर मैंने बना दी है, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज टेक बीच चैनल पर। पहले डिफरेंस समझते हैं बैटरी लाइफ का एंड बैटरी लाइफ स्पैन का। बैटरी लाइफ वो लाइफ होती है बैटरी की, जैसे हम कहते हैं ना 20 घंटा 12 घंटा इसकी बैटरी लाइफ चलती है, यानी एक बार रिचार्ज में आपकी बैटरी कितना आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम देती है। बैटरी लाइफ स्पैन का मतलब हुआ कितनी बार आप रिचार्ज कर रहे हो, यानी कितनी साइकिल्स ऑफ रिचार्ज आप कर रहे हो बैटरी का, 350 बार 500 बार, वो हुआ बैटरी लाइफ स्पैन। बिना कुछ सोचे सबसे पहले अपने फोन को पिक करो एंड ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को टर्न ऑन कर दो, क्योंकि जितनी बैटरी आपकी पुरानी होगी वो अपनी जो इफेक्टिवनेस होती है बैटरी लाइफ देने की वो लूज करती जाएगी। तो इस बेटर कि आप अपनी बैटरी की केमिकल एज को अच्छा रखे, उसको कैसे रखना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को ऑन रखो। इससे होगा क्या, सर्टेन सिचुएशंस में जैसे अगर आप रात को चार्जिंग लगा के भूल गए हो तो 80% के बाद ये ऑटोमेटिकली 100% आने में मॉर्निंग लगा देगा, डिले कर देगा उस प्रोसेस को टू एंश्योर अवॉइडिंग ओवरहीटिंग एंड ओवरचार्जिंग। इससे जो प्रोसेस है केमिकल एजिंग का वो डिले हो जाएगा। आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे आईफोन की बैटरी परसेंटेज है 92% एंड मैं ट्राई करूंगा जैसे इसकी परसेंटेज 40-50% के आसपास होगी तो मैं इसको फिर से चार्जिंग पे लगा दूंगा, ना कि 0 या 20% के आसपास होगी तब चार्जिंग लगाऊंगा। और इसके पीछे रीजन है, जैसे सपोज अगर आपके आईफोन की बैटरी परसेंटेज 20 है तो आप उसको चार्जिंग पे लगाओगे तो वो ज्यादा टाइम लेगी कंपैरेटिवली अगर वो 40-50 पे होती तो। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरहीटिंग। तो एक कंक्लूजन की बात करें तो आप 100% तक चार्ज कर सकते हो अपना आईफोन को, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ट्राई करो कि आप 40-80% के बीच में मेंटेन करो आईफोन की बैटरी परसेंटेज को, सो दैट अगर आप रिचार्ज करो अपने आईफोन को तो जो लिथियम आयन बैटरी है वो हीट ना हो, अगर वो हीट होगी तो वो डिग्रेड करेगी करेगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने आईफोन की बैटरी परसेंटेज को ट्राई करो कि वो 20% या फिर 0% तक ना जाए, आप 40-50% के आसपास, मिनिमम से मिनिमम अगर 40% है आप उस पर रिचार्ज लगाते हो, चार्जिंग पे लगाते हो अपने आईफोन को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से 100% तक चार्ज करो। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। टेक बीस्ट चैनलपुर, थैंक्स फॉर योर टाइम।